वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया की मोस्ट पॉपुलर गाड़ी मारुति स्विफ्ट डिजायर। 2008 में लॉन्च हुई थी और ये आप 2010 का फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं। 2010 मॉडल गाड़ी है दोस्तों, स्विफ्ट डिजायर। बहुत बढ़िया गाड़ी आती है, इंडिया की फेमस गाड़ी है, आज भी लोगों के दिलों में राज कर रही है। स्विफ्ट डिजायर फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, अभी तो फोर्थ जनरेशन वेरिएंट चल रहा है गाड़ी का दोस्तों। ऐसा मिलेगा आपको डैशबोर्ड, सिंगल टोन के अंदर ही मिलेगा दोस्तों। एयरबैग नहीं मिलेंगे इसमें दोस्तों। ये कंपनी का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों। इसका बटन टूट गया है। 4 एसी वेंट मिलेंगे और ये घड़ी मिल जाएगी आपको कंपनी की। टेम्परेचर और घड़ी दोनों मिल जाएगी आप इसमें, कंपनी फिटेड आती थी। और ये एसी के कंट्रोल मिल जाएंगे, मैनुअली मिलेंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। ये VDA मॉडल है दोस्तों, इसके ऊपर जो ZDA मॉडल आता था उसमें सब मिलते थे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता था, इसमें सिंपल ही मिलेगा। और इसमें एयरबैग भी मिलते थे। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोस्तों, RPM मीटर बता देगा इसमें दोस्तों, डीजल मीटर, टेम्परेचर मीटर और स्पीड मीटर मिल जाएगा आपको दोस्तों इसमें। ये ट्रिप मीटर मिल जाएगा डिजिटल वाला, थोड़ा पहले छोटी स्क्रीन डिजिटल वाला मिलती थी, अब बड़ी साइज में बीच में मिलता है दोस्तों डिजिटल वाला। स्पीड मीटर मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये 3-स्पोक स्टीयरिंग मिल जाएगा और ये मारुति सुजुकी का लोगो, इसमें ही आपको हॉर्न मिलेगा। और ये फॉग लैंप के कंट्रोल मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये हेडलाइट हाई और बीम के कंट्रोल मिल जाएंगे सेटिंग करने के लिए। और ये हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और ये यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये फोर्थ इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ पे बटन मिल जाएगा। और ये थोड़ा सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी, 2 बोतल होल्डर मिल जाएंगे इसमें। ये भी कंपनी का आता था दोस्तों बॉक्स। और एक बॉक्स मिल जाएगा चिल्लर रखने के लिए, देती थी कंपनी पहले थोड़े सामान रखने के लिए, अब कंपनी देती नहीं है, ये कंपनी का है। मारुति सुजुकी कंपनी पहले देती थी ये बॉक्स बढ़िया वाला। और ये 2 बोतल होल्डर मिल जाएंगे इधर, 2 बोतल आराम से आ सकती है। और ये थोड़ी जगह मिल जाएगी दोस्तों। और ये 12V का चार्जिंग मिल जाएगा। और 6-स्पीड मैनुअल गियर मिल जाएगा दोस्तों, 5+1 रिवर्स मिल जाएगा। पहले इसमें ऑटोमेटिक नहीं आती थी, अभी ऑटोमेटिक गाड़ी आती है। और ये हैंड ब्रेक मिल जाएगा मैनुअली। और एक टूल बॉक्स मिल जाएगा सामान रखने के लिए। और ये सेंटर क्लास मिल जाएगा, इसमें 2 लाइट मिल जाएगी, सन वाइजर मिल जाएंगे दोस्तों, सिंपल ही मिलेंगे। ग्लास नहीं मिलेगा इसमें। ये पावर विंडो का बटन और ये बोतल होल्डर मिल जाएगा इधर, नहीं मिलेगा दोस्तों सामान रखने के लिए जगह, अभी आता है, पहले नहीं आता था इस गाड़ी के अंदर। और स्पीकर मिल जाएंगे दोस्तों, 4 स्पीकर मिलेंगे। और मैनुअली स्विच मिलेगा दोस्तों, पुश बटन नहीं मिलेगा। पहले जो इस मॉडल में जो ZDA गाड़ी थी उसमें भी पुश बटन नहीं आता था, चाबी वाला सिस्टम ही आता था दोस्तों। और ये पावर विंडो का बटन और ये ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे, मैनुअली मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे।
सेटिंग करने के लिए। अभी तक हमने यहाँ पर पावर विंडो को साथ में दे दिया और ये पैंडल्स मिल जाएंगे और ये सीट एडजस्टमेंट के लिए आगे पीछे करने के लिए और ये पुश बैक सीट करने के लिए दोस्तों। इतनी स्पेस मिल जाएगा दोनों सीट के बीच दोस्तों, आराम से पीछे आदमी बैठ सकता है। ये 5 सीटर गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर इंडिया की मशहूर गाड़ी है, अभी भी मार्केट में अपनी जगह बनाए रखी है दोस्तों। इसका कोई कॉम्पिटिटर गाड़ी का अभी तक आया नहीं है, बहुत आया लेकिन इसका कोई आया नहीं है। इसके कंपटीशन में भी आए लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ फेल हो गई है, लेकिन ये अपनी जगह अभी भी बनाए रखी है मार्केट के अंदर दोस्तों। पावर विंडो का बटन और ये हैंडल मिल जाएगा पकड़ने के लिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और एक यहाँ पे लाइट दे कर रखी है दोस्तों, तीन जने आराम से बैठ सकते हैं सीट पर दोस्तों। ये सामान रखने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी, दो स्पीकर मिल जाएंगे और एक लाइट दे रखी है दोस्तों। ये पावर विंडो का बटन, ये बोतल होल्डर मिल जाएगा, एक उधर मिल जाएगा और एक इधर मिल जाएगा पीछे दे रखे दो। एक 165/80R 14 गिटार मिलेंगे दोस्तों, VDI के 14 इंच गिटार मिलेंगे। इसके ऊपर जो एक मॉडल आता था JD, उसमें 15 इंच के टायर मिलते थे दोस्तों गाड़ी के अंदर। एलो व्हील नहीं मिलेंगे, डिक्सी मिलेगी सिंपल वाली दोस्तों, और ये व्हील कवर मिलेंगे, व्हील कैप मारुति सुजुकी कलो को मिल जाएगा। ये 42 इंच की गाड़ी है दोस्तों, स्विफ्ट डिजायर। फिर 3 इंच घटा के न्यू मॉडल में जो कंपनी वाले ने 2012 के बाद जो न्यू मॉडल स्विफ्ट डिजायर कंपनी वाले ने लॉन्च की थी, वो फिर उसकी साइज लंबाई 39 इंच कर दी थी। ये स्विफ्ट डिजायर की बैजिंग दोस्तों, ये मारुति सुजुकी का लोगो, ये मारुति सुजुकी बैजिंग, ये ग्रिल मिल जाएगी दोस्तों पीछे, और ये दो रिफ्लेक्टर लाइट, और ये नीचे एक लाइट दे रखी दोस्तों। आफ्टर मार्केट यहाँ पे दूसरी लाइट इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों। ये तो रेडियम वाली लाइट दे रखी है दोस्तों, इसमें दूसरी इंस्टॉल करवा सकते हैं। और ये टेल लैंप सिंपल वाली मिलेगी दोस्तों। इतना बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा दोस्तों, 4-5 बैग आराम से आ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। और अभी जो डिजायर आ रही है उसमें डिक्की की साइज़ छोटी है दोस्तों, उसमें कम ही बैग आते हैं, डिक्की छोटी है गाड़ी की, ये सबसे बड़ी डिक्की है गाड़ी की। पहले डिजायर में सबसे बड़ी डिक्की आती थी गाड़ी की, और गाड़ी भी लंबी आती थी दोस्तों। और एक लाइट दे रखी है दोस्तों, और स्पेयर व्हील मिल जाएगा इधर दोस्तों, स्टेपनी। ऐसी पीछे से प्रोपेलर और साइड प्रोपेलर देखेगी गाड़ी की दोस्तों। 45 लीटर का डीजल टैंक मिल जाएगा और 22 से 25 का एवरेज मिल जाएगा गाड़ी का दोस्तों। पीछे की सीट ऐसी मिलेगी दोस्तों, और बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। ऐसा मिलेगा डैशबोर्ड,
ये ORVM मिल जाएंगे, इसके साथ टर्न इंडिकेटर नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी गाड़ी जो आ रही है मारुति सुजुकी उसमें मिलता है, डीजायर के अंदर 2012 के बाद जो लॉन्च हुई थी पहले नहीं मिलता था, ये साइड में देते थे। और ये DDIS डीजल इंजन की बैजिंग और इंडिकेटर मिल जाएगा दोस्तों। ये हैलोजन हेडलैम्प भी मिलेंगे दोस्तों गाड़ी के अंदर। क्रोम ग्रिल मिलेगी दोस्तों और ये मारुति सुजुकी का लोगो जो टूट गया है दोस्तों। और ये फॉग लैम्प मिल जाएगी और एक नीचे ग्रिल मिल जाएगी दोस्तों। और ये ऊपर मिल जाएगा आपको एक एंटीना दोस्तों गाड़ी के ऊपर। ये ORVM, ये DDIS की बैजिंग और इंडिकेटर इधर भी मिल जाएगा राइट साइड दोस्तों। ये वाइपर मिल जाएंगे दोस्तों दो गाड़ी के। और ये पानी की मोटर मिल जाएगी इधर। ये दोस्तों आपको 1248 सीसी का इंजन मिल जाएगा स्विफ्ट डिजायर के अंदर और 22 से 25 का एवरेज मिल जाएगा गाड़ी का। अभी 2020 में कंपनी वालों ने इस डिजायर का डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी पेट्रोल में आ रही है गाड़ी और CNG और हाइब्रिड भी अभी कंपनी वाले लॉन्च कर देंगे थोड़े दिनों के बाद। इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है दोस्तों गाड़ी की, गाड़ी चलने में भी स्मूथ है स्विफ्ट डिजायर, इसलिए 16 साल से रोड पर राज कर रही है, सबके लोगों की पसंद गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर। कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी? ये गाड़ी सेल के लिए भी अवेलेबल है दोस्तों। ये गाड़ी बिका हुआ है 2.5 लाख रुपए इसके गाड़ी ने की प्राइस रखी है उसके मालिक ने दोस्तों। आप चाहे तो इस गाड़ी को ले भी सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इनके मालिक के नंबर आपको दे दूंगा वीडियो के अंदर और इनसे कांटेक्ट करके आप ये गाड़ी ले भी सकते हैं। 2.5 लाख की मांग कर रहे हैं, लेने पर 10-20 हज़ार रुपये कम कर देंगे। कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों जालौर कार ब्लॉग्स। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दिए, चैनल को प्यार दिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी नए नए वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों मैं आपके लिए जालौर कार ब्लॉग्स नई नई गाड़ियों के। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।